हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर 6/12/2018 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय सरकार ने नया कानून अधिनियमित किया है, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 30 वर्ष से कम आओ के बच्चे के सेवा योजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो 14 वर्ष, ठीक है। यदि एक वस्तु का संवेग 20% से बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 44% बढ़ेगी, ठीक है। आगे देखिए, पराग कोष और पुतंतु 21 भाग है। तो पुंकेसर में पराग कोष और पुतंतु 21 भाग किसके भाग हैं? पराग कोष और पुतंतु किसके भाग हैं? तो पुंकेसर के। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अस्कु को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भंजन कहा जाता है। दोस्तों, मैं आप सभी का एक बात बताना चाहता हूँ। आप सभी मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल में आप कुछ शॉर्ट वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो यदि आप इमिक्स टकाटक रखे होंगे तो अच्छा है, अगर नहीं रखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उससे आप इमिक्स टकाटक डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हम सभी स्टूडेंटों के पास बहुत पैसा कम होता है। और क्या है, वह एक रेफरल ऐप है जो कि हर एक रेफर पर 20 रुपये देता है, 20 रुपये आपको और 20 रुपये आपको फ्रेंड को, ठीक है। तो मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है तो कर लीजिएगा, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो कभी कभी बोरिंग होते हैं तो शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपकी जैसी इच्छा। वर्ग 3 और 6 में लैंथम के साथ स्थित तत्व को क्या कहा जाता है? वर्ग 3 और 6 में लैंथम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो लैंथेनाइड। तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? तो पार्श्व विभाज्योतक के कारण। दुनिया के पहली रिबोट स्की प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? तो दक्षिण कोरिया में। दोस्तों देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि आपको वीडियो ये और क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। द्रव्यमान m और 9m के किस निकाय समान गतिशील ऊर्जा के साथ स्थानांतरित हो रहे हैं? द्रव्यमान m और 9m के दो निकाय समान गतिशील ऊर्जा के साथ स्थानांतरित हो रहे हैं, उनके रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा? 1:3। मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। वस्तु द्वारा समय टी में पार की गई दूरी किसके अनुपातिक होती है? तो टी के पावर 3/2 के अनुपातिक, ठीक है। नेक्स्ट है, एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो वैद्युत ऋणात्मक कहा जाता है, वैद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, तो C का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन इसमें 2 है तो 16 × 32, इसको ऐड करेंगे तो 44 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? तो मज्जा नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकने के लिए उसमें डाला जाता है। यह एक हल्का असंक्षारक क्षार है। नीचे दी गई अभिक्रिया इसके निर्माण की क्रिया दर्शाती है, इस यौगिक का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सोडियम क्लोराइड है और H2 यानी जल है, और ये CO2 है और एमोनिया है। तो इससे हमें क्या है, तो इसमें ये जो सोडियम है क्षार धातु है, ठीक है। क्विम लाइन यानी कली चूना का सूत्र क्या है? तो CaO है। सूत्र m = H1/H0 में m, H1 और H0 क्या दर्शाते हैं?
दर्शाते हैं, और आप सभी ने पढ़े हैं ना कि एम मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड सूत्र पढ़े हैं आप, जैसे एच वन बाई एच टू लिख देते हैं हम, यहाँ पर जीरो लिखा है ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एच वन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, एच टू क्या होती है, वस्तु की ऊंचाई होती है, वहीं यहाँ पर दिया है ठीक है। आगे देखिए, सी आई बी आई एल का प्रारूप क्या है, तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। किस राज्य में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो सिक्किम में है। थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था, आंध्र प्रदेश में। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में दर्शाने के लिए उसे क्या लिखेंगे, तो आप देख लीजिए एक न्यूमेरिकल है मैं बता रहा हूँ, से 72 किलोमीटर है पर घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है ठीक है। तो इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, आंसर आपका 20 मीटर पर सेकंड ठीक है। आप ध्यान देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के आधार, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो भाग तीन में भी, और मौलिक अधिकार भी वर्णन है ठीक है। यदि विद्युत प्रभार, यानी विद्युत प्रवाह इसे बोलेंगे ठीक है, विद्युत प्रवाह Q और समय T है, तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो Q by T है ठीक है। किसका निर्माण 1632 में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 के अंत में पूरा हुआ, तो ताजमहल, इसे बनाने में 16 ईयर लगे ठीक है। विल्ले का सिद्धांत या हड़प नीति को किसने लागू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। यह सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत है जैसे मान लीजिए कोई राजा है, कोई रानी है, उनके कोई मतलब संतान नहीं है, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, उनको अपने साम्राज्य में शामिल कर लेते हैं और वहाँ पर राज करते थे। नेक्स्ट है, बहुत ही फेमस ड्रामाटिस्ट है यानी नाटककार हैं, और उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है, उपन्यास जो स्वामी एंड फ्रेंड्स हैं इसके लेखक कौन है, तो आर के नारायण है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस बिलियन का रंग कैसा होता है, तो लाल हो जाता है, क्योंकि यह एसिड है, एसिड क्या करता है, नीला को लाल कर देता है ठीक है। तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है, मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो डिम्बवाही नालिका में। भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है, तो गुजरात। कौन से भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है, कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है, तो है स्पेनिश। बल बाय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान, जैसे हम पढ़े हैं बल बराबर होता है एफ बराबर ए में, तो इसमें दिया है बल यानी फोर्स बटा में ए, तो ये क्या है, एम है ठीक है, यानी द्रव्यमान है। चलिए सिर्फ थर्ड के क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषा है ठीक है। बताइए कि जो हमारे बिहार की भोजपुरी भाषा है क्या उसे मान्यता प्राप्त है, नहीं उसे मान्यता प्राप्त नहीं है। विश्व का हमें बिहार की मैथिली भाषा को मान्यता प्राप्त है, भोजपुरी को नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है, तो कर्नाटक में। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस राधा कृष्णन है ठीक है। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है, श्रमोहीन ऊतक। दोस्तों प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं,
ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं, तो 6। ठीक है, एक तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, एक तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो केंद्रीय प्रभार पर। किस ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, किस ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, इनमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस, कोशिका रस भित्तीय मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती हैं, तो विभाज्य ऊतक, मरिस्मेटिक ऊतक। कौन पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, कौन जो ऊतक है पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो कंडरा है। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा किस ईस्वी में बनाई गई थी, तो 1799 ईस्वी में। जानवरों में किस फाइलम संघ को फ्लैट वर्म एंड चपटे कृमि भी कहा जाता है, तो प्लेटी हेलमिंथ्स को। विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो प्रतिरोध होती है, प्रतिरोधकता होती है, वो उच्च होती है तथा और गलनांक भी उच्च होते हैं। शुरुआती रॉक संगीत को रिकॉर्ड और प्रमोट करने वाले मेम्फिस संगीत निर्माता कौन है, शुरुआती रॉक संगीत को रिकॉर्ड और प्रमोट करने वाले मेम्फिस संगीत निर्माता कौन है, तो सैम फिलिप्स। कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करती है, तो चांदी। एक कुली 100 मीटर की दूरी 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। जैसे मान लीजिए एक कुली है और अपने सर पर क्या 100 kg 500 न्यूटन का भार उठाया है और 100 मीटर चल रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो कॉस्ट 90 का मान 0 होता है और हमारा कार्य का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस्ट थीटा। तो एफ तो है आपका यानी फोर्स 500 न्यूटन है, ठीक है, और जो दूरी है 100 है, लेकिन कॉस्ट थीटा जो कॉस्ट 90 है इसका मान 0, तो 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 होगा, इसलिए यहाँ पर कार्य 0 हो रहा है। फिजिक्स के भाषा में इसे 0 माना जाएगा, लेकिन ऐसे गांव की भाषा में काम माना जाएगा, हमने काम किया है, ठीक है। उत्तरी मैदान हिमालय के किस दिशा में स्थित है, तो दक्षिण दिशा में स्थित है। बोली लगाने से संबंधित पूर्व निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किस मंत्रालय ने बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली BIMS का शुभारंभ किया है, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय। भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है, तो पश्चिम बंगाल। शीत के साथ होता है क्या वाष्पीकरण, क्लेमिडोमोनस किस किंगडम वंश से संबंधित है, तो किंगडम प्रोटिस्टा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किसका उल्लेख है, तो मौलिक कर्तव्य का। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, तो जूट को, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 2H2O। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था, जेम्स हिकी ने। तरल पदार्थ में प्रवाहकत्व कब शुरू होता है, जब धनात्मक और ऋणात्मक भारों की गति मौजूद हो। किसके द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी टेनिस श्रृंखला सिंथेटिक कोर्ट में खेली जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आप सभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है। RRB ग्रुप डी
7/12/2018 का क्वेश्चन देखेंगे उसमें। तो चलिए, बाय, जय हिंद।